इतने दिमाग खराब हो गए इनके कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। जो भी विधिक कार्रवाई चाहे वो माननीय विधायक जी हैं। जूतों से मारेंगे आज इनको, सही करते हैं एसडीएम को। माननीय विधायक जी की जो भी भावना है उनका हमेशा सम्मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। जूता कांड के लिए चर्चित हो चुकी महोली विधानसभा क्षेत्र में फिर एक बार जूते से मारने की धमकी चर्चा में है। महोली से भाजपा एमएलए शशांक त्रिवेदी ने इस बार एसडीएम को जूता मारने और एफआईआर लिखाने की धमकी दी है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर में ये नौबत क्यों आई, इसको लेकर आई इंडिया ने पूरी पड़ताल की तो पता चला कि एक गांव में पंचायत घर बनवाने को लेकर एसडीएम ने जिस गरीब का घर गिराया वह रात भर खुले आसमान के नीचे भूखे रहकर पानी में भीगता रहा। सुबह महोली विधायक पहुंचे तो उन्हें इसको लेकर इतना गुस्सा आ गया कि वह फोन पर ही एसडीएम को जूता से पीटने की धमकी व एफआईआर दर्ज कराने को कहने लगे। इस मामले में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी और एसडीएम पंकज राठौर का क्या कुछ कहना है यह जाने इससे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो को देखते हैं। एफआईआर लिखिए, एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए इनके कि ये गरीबों का घर गिराएंगे, जूतों से मारेंगे आज इनको, सही करते हैं एसडीएम को, गरीबों का घर गिराएंगे, अपना कमा रहे हैं पैसा, बड़े बड़े आदमी उनको नहीं दिखते हैं, एसडीएम के खिलाफ एफआईआर लिखानी है, मैं आ रहा हूं अभी थाने। ये मामला है सीतापुर जिले के थाना पिसावा इलाके के गांव पकरिया पांडे का। यहां के रहने वाले गरीब कन्हैया लाल मिश्रा ग्राम समाज की 5 बिस्वा भूमि पर टीन शेड डालकर परिवार के साथ पिछले 25 सालों से गुजर बसर करते आ रहे थे। बताते हैं इनका मकान गाटा संख्या 83 पर बना है और पंचायत भवन 84 पर बनना था। गत 3 सितंबर को महोली एसडीएम ने गांव पहुंचकर मकान को गिराकर कब्जा हटा दिया और मकान मालिक को थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। इसकी खबर जैसे ही महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी को हुई, वो 4 सितंबर को गांव पहुंचकर फिर से मकान बनवाने लगे। इसी दौरान किसी का फोन आ गया और फिर विधायक एसडीएम को जूतों से मारने की बात कहने लगे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और फिर एक बार वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को आपको दिखाते हैं। एफआईआर लिखिए, एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए इनके कि ये गरीबों का घर गिराएंगे, जूतों से मारेंगे आज इनको, सही करते हैं एसडीएम को, गरीबों का घर गिराएंगे, अपना कमा रहे हैं पैसा, बड़े बड़े आदमी उनको नहीं दिखते हैं, एसडीएम के खिलाफ एफआईआर लिखानी है, मैं आ रहा हूं अभी थाने। अब आपको वीडियो वायरल होने के बाद महोली विधायक शशांक त्रिवेदी का क्या कहना है ये सुनाते हैं। मकान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको बारिश में खुले में छोड़कर और वो मकान गिरा के और वहाँ पे पंचायत घर बनाने के लिए नींव खोदने शुरू कर दिए। जब मुझे जानकारी लगी तो मैं सुबह सुबह तुरंत यहाँ पे पहुँचा, देखा बरसात हो रही थी, मैं भी भीग रहा था और पूरा परिवार भीग रहा था, रात में नहीं खाना खा पाए। गांव के लोग, अभी मौजूदा प्रधान ने खाना खिलाया इनको, रात के पूर्व प्रधान ने खाना खिलाया, इस तरीके से इनके यहाँ पर यही ड्यूटी है, यही होना भी चाहिए, मेरा भी यही कहना है। अगर ये 25 साल से यहाँ के गांव के लोग बता रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, अगर गलत रह रहे हैं 25 साल से, तो भी इनको कहीं पे छत तो देनी चाहिए थी, खुले बरसात में नहीं छोड़ना थी। दुरुपयोग है, गलत है, कार्रवाई गलत हुई है, जिसने भी की है उसके खिलाफ जाँच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई। महाराज जी का तो हमेशा ये रहा है आदेश कि कोई भी गरीब बेघर ना हो, हर घर में छत हो, हर गरीब के सर पर छत हो, हर गरीब को शौचालय मिले, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, उनका नारा है और यही हो रहा है। हर गरीब को छत मिल रही है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है। मुझे अफसोस लगा जब मुझे पता चला कि दिव्यांग के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और दिव्यांग बारिश में भीग रहे हैं, गाँव वाले उनकी मदद भी कर रहे हैं। जब मैंने सुना तो मैं आ गया और देखा कि पूरा गांव, पूर्व प्रधान मौजूदा प्रधान दोनों उनके सहयोग में हैं और दोनों सब लोग मिल के यहाँ पे इनका बनवा रहे हैं। यही मैं आया था, मैं देख रहा हूँ और अभी मैंने बोला है मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैंने संदेशा भेजा है और जिले के अधिकारियों को भी संदेशा भेजा है। डीएम साहब हमारे अस्वस्थ हैं तो वो एडमिट हैं, प्रभारी है इस समय मुख्य विकास अधिकारी, तो इसे मेरी सूचना पर वापस, उनका भी कहना है जो गलत हुआ है वो गलत, अगर ऐसा कुछ है तो गलत है, अगर बगैर प्रस्ताव के, बगैर उसके मकान गिराया नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी भूल है।
उधर SDM मोहली पंकज राठौर ने पूरे मामले का अपना पक्ष रखा। पकड़िया गांव में गाटा संख्या 83 पे पंचायत भवन बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया था। मौके पे गांव के एक निवासी थे जिनका घर गांव में बना हुआ था। गाटा संख्या 83 जिस पर पंचायत भवन का प्रस्ताव हुआ था वहां पे उनकी पशुबाड़ा बना हुआ था। टीन रखे भूसा और पशु बांधते थे। मौके की स्थिति को देखते हुए उनको एक दूसरी जगह चिन्हित कर दी गई थी लेखपाल के द्वारा, कानून द्वारा। उनसे ये कहा गया था कि आप जो है अपना शिफ्ट कर लीजिए। कई बार कहने के बावजूद हम ब्लॉक के कर्मचारी भी गए, हमारे लेखपाल कानून भी जाते रहे, बट उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। अंतिम रूप से चूँकि सरकारी योजना है पंचायत भवन बनाना, तो फिर उसे जाना पड़ा और मौके पर जाके मैंने उनसे फिर से कहा कि अगर आप स्वयं हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, जो भूमि आपको चिन्हित की गई है वहाँ पर आप अपना रख लीजिए। उन्हें कहा हम हटाएंगे नहीं, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे, फिर मजबूरन हमको ये कार्रवाई करनी थी। जो भी विधिक कार्रवाई चाहें, वो माननीय विधायक जी हैं, हमेशा एक पब्लिक ऑफिसर होने के नाते उनका हमेशा सम्मान है। मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाएं आहत हुई होगी, इसीलिए उनकी जो भी उनकी भावनाएँ थी मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। थोड़ा सा ये शब्दों का चयन हो सकता बेहतर हो सकता था, बट मेरे मन में कोई भी दुर्भावना या कुछ भी नहीं है। सीतापुर में अधिकारियों और सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह का मामला कोई नया नहीं है। सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से भाजपा के कई विधायकों का अधिकारियों से तू तू मैं होने के अलावा मारपीट तक हो चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तो जनप्रतिनिधि गलत है या फिर अधिकारियों की मनमानी इसका कारण है। ऐसे में भला जनता की कौन सुनता होगा, उसकी जायज बात कौन मानता होगा, ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। फिलहाल जिस मोहली विधानसभा क्षेत्र में जूता मारने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, इसी विधानसभा क्षेत्र में कई साल पहले भाजपा सांसद और विधायक के बीच जूतम पैजार हो चुकी। SDM की इतनी दिमाग खराब हो गए इनके कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। जो भी विधिक कार्रवाई चाहे वो माननीय विधायक जी हैं। अवर क्षेत्र के अन्य चैनलों के जोर से बड़ा अवर क्षेत्र के चैनल जगत से कई गुना बड़ा 7.5 मिलियन दर्शकों के ग्रुप में इकलौता न्यूज चैनल अब क्षेत्र के दर्शकों ने बनाया आई इंडिया को नंबर वन न्यूज चैनल। गूगल ने भी दी आई इंडिया को 5-स्टार रेटिंग। खबर का मतलब आई इंडिया।